चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल के बारे में जाने थे। ठीक है, तो आज हम लोग का स्पेशल जो क्लास रहने वाला है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुजों के गुण, क्या क्या गुण होते हैं त्रिभुज के, उसके बारे में हम लोग जानकारी आज लेने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि जितने भी सवाल आपका बनेगा सारा प्रॉपर्टीज पे ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुजों के गुण है ना, यानी कि त्रिभुज के क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के प्रकार देखे थे, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे थे, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल किए थे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों के गुण को देखेंगे और इस पर कुछ सवाल करेंगे। इसके बाद देखिए, त्रिभुज को हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं किए हैं। ठीक है, ट्रायंगल को पहला है कि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि पिछला क्लास हो चुका है हम लोग का। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों के गुण। और थर्ड पार्ट रहेगा हम लोग का कि समरूप और सर्वांगक्षमता यानी कि सिमिलरिटीज एंड कंग्रुवेंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो तीन पार्ट में हम लोग त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका कोई भी सवाल बने यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के गुण। ठीक है, तो पहला इसका गुण क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को ही जानते हैं। ठीक है, ये पहला गुण होता है त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का पहला गुण क्या होता है, यानी कि ये पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, ये क्लियर है, ये सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है ना, कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बोलाए कि एक ट्रायंगल यदि हम लोग लेते हैं, तो इसमें बोलाए कि किन्हीं दो भुजाओं है ना, दो साइड का योग जो होगा, दो साइड का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो यहाँ से इसका हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन है ना ए सी। और ये बात हम लोग ट्रायंगल को पहचानने के लिए कर रहे थे ना। तीसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज किसी किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। बस यही सेम चीज़ें हैं है ना। यदि हम किसी दो त्रिभुज को दो त्रिभुज के भुजाओं को यानी कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तो ये हमेशा छोटी हो जाएगी किससे, तीसरी भुजा से, थर्ड साइड से। क्लियर है यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल हम लोग, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में भी हो चुका था ऐसा ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर फोर यानी कि फोर्थ गुण इसका क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, यहाँ पे ध्यान देंगे दो साइड इसका इक्वल हो है ना, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये आप कौन से प्रॉपर्टी से, देखिए पहला क्लास इंपॉर्टेंट क्लास था। यदि पहला क्लास आप लोग समझ गए हैं, तो बस प्रॉपर्टी कहाँ से बनेगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का ही तो गुण होगा है ना। तो छह तरह का हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे, एक साइड के आधार पे और एक एंगल के आधार पे, तो वही उसी के आधार पे इसका क्या बनेगा, प्रॉपर्टीज बनेगा। तो ये बोल रहा है कि किसी दो भुजा बराबर हो है ना, मतलब ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी का, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आ रही होगी। यदि फर्स्ट क्लास आप लोग किए हैं तो प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, पांचवा नंबर प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के किसी भुजाओं को आगे बढ़ाने से बना बाह्य कोण दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, और ए बी को, भुजा ए बी को बढ़ाने पर बना इतना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि कोई भी ट्रायंगल है, चलिए एक अलग से बना के दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल है हम लोग का ए
बी और सी, ठीक है। तो हम लोग सी में बढ़ाएं या ए में बढ़ाएं या बी में बढ़ाएं, कोई एक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बी पे बढ़ाया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि बी के बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, मतलब यहाँ पे डी पॉइंट दे दिए, यहाँ पे बी पॉइंट है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है। देखिए अच्छे से समझना है एक बार, इसके बाद आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एंगल ऑफ डी बी सी, एंगल ऑफ डी बी सी यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है कि ये बराबर होगा एंगल ऑफ बी ए सी, एंगल ऑफ बी ए सी यानी कि इस एंगल के बराबर और इस एंगल के बराबर, मतलब ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये बाहरी एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आसान भाषा में कि एंगल एंगल डी बी सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी, इस तरह से। मतलब किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोणों के योग तीसरी कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है, ठीक है। मतलब इसको यदि हम अल्फा मानते हैं, इसको हम लोग बीटा मानते हैं और इसको हम लोग गामा मानते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा यदि हम लोग मानते हैं एंगल तो। और ऐसे रहेगा तो फिर और भी अच्छा है, मतलब एंगल दे रखेगा तो ये ऐसा, ये ज़रूरी नहीं कि यही कंडीशन होगा, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, इधर भी, इधर भी। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोला कि इसमें आपका एक ट्रायंगल रहेगा और तीनों साइड बढ़ा देंगे, है ना, तीनों भुजाओं को बढ़ा रहा है। तो यहाँ भी बढ़ाएं, यहाँ भी बढ़ा दिए और यहाँ भी बढ़ा दिए, तो ये जो एंगल आएगा बाहरी कोण का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 360 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहरी एंगल है ना, एक मिनट, हाँ चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो एंगल x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री का जो सम होगा वो कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, क्योंकि ये हम लोग पॉलीगॉन में पढ़ेंगे कि आपका ट्रायंगल के बाहर हो, क्वाड्रेटल के बाहर हो, पॉलीगॉन के बाहर हो, का सभी का एंगल जो होगा वो 360 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ अभी सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। सेवेंथ प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ फीचर्स और बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर बी कौन सम कौन है, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर जो होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए को यदि हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, एंगल बी को हम लोग एंगल सी को हम लोग बीटा मानते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे कुछ कॉन्सेप्ट, है ना, कि जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो तीसरा कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है, तो बाहरी कोण भी 90 है तो अंदर का भी कोण क्या होगा, 90 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल में, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे आपका समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस हो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल का उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सारा हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको देखेंगे कि ये हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, तो एक सरल रेखा जो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ए बी सी में एक्स और वाई क्या है, दोनों एक्स वाई को मिलाने वाली रेखा है, और ये तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा के क्या है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है। तो बोल रहा है क्या कि जो भुजा की तीसरी भुजा के समांतर है और लंबाई में उसकी क्या होगी, आधी होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसा ये यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि हमारा यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई पैरेलल है किसका, बी सी का, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स वाई जो होगा वो आधा होगा किसका, तो बी सी का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। जब भी ऐसा हो, है ना, कोई भी रेशियो में ये डिवाइड करे तो एक्स वाई जो होगा वो हाफ होगा किसका, तो बी सी का। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी जो हमारा होगा वो 2 × XY होगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, बस इसी से आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग 8 कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जो कि हमारा सवाल सॉल्व करने में ये बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक ट्रायंगल एबीसी है और फिर से इसको क्या क्या किया है, पैरेलल में डिवाइड किया है ना, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका AX बट्टा AB, AX बट्टा क्या होगा AB, और AY बट्टा क्या होगा AC। ठीक है, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स बी बट्टा ए बी, एक्स बी बट्टा ए बी और वाई सी बट्टा ए सी, मतलब पलट गया है। ठीक है, चलिए मतलब ये हाफ लिख सकते हैं और ये हाफ लिख सकते हैं, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक मिनट रुकिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 10। चलिए तो कॉन्सेप्ट नंबर 10 कि त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा के को दो शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे किसी कोण का अर्धक, है ना, मतलब ये सेमी एंगल। ठीक है, सम्मुख भुजा को दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। आप फिगर को देखिए, फिगर से अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बोला है कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है और ए से लेकर के डी, ए डी जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये बाई एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर है ए डी। ए एंगल ए को बराबर भागों में बांट रही है कौन, तो ए डी। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बट्टा ए सी जो होगा वो बी डी बट्टा ये सॉरी ए बी बट्टा ए सी जो होगा वो बी डी बट्टा डी सी होगा। ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी और ए सी दे रखेगा, बी डी भी दे रखेगा और आपसे डी सी पूछेगा, या फिर बी सी दे रखेगा और डी सी या बी डी पूछेगा, इस तरह से सवाल इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 11, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इस पर बनता है। ठीक है, बोला है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बोला है कि एंगल बी और एंगल सी को बराबर भागों में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है,
ओ के द्वारा, और ये जो मिल रहा है वह कहाँ पे मिल रहा है, तो पॉइंट ओ पे मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि एंगल जो ओ होगा है ना, मतलब बी वो सी, एंगल ऑफ बी वो सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी वो सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 90 प्लस एंगल ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और यदि इसका बाह्य विभाजन होगा, चलिए देखते हैं कि इसमें दिया होगा कि नहीं, बाह्य विभाजन होगा तो आपका यहाँ पे जो होगा वो प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब अंदर की ओर ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्लस में होगा, और जब बाहर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस की ओर होगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए ये बाहर की ओर दिया हुआ है, ठीक है, ये बाहर की ओर विभाजित कर रहा है एंगल, है ना, ये बाय सेक्टर है ना, मतलब एक्सटर्नल बाय सेक्टर। तो आपका जो होगा फार्मूला सेम होगा, केवल माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये वाला बाहर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल बी वो सी है ना, किसका हाफ होगा, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ऑफ ए, क्लियर है। चलिए, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना, एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ए बी सी में यदि एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, ध्यान देंगे यहाँ पे, एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, तो एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, ए एम जो होगा वो, और एंगल बी ए सी का अर्धक है, ठीक है, एंगल बी ए सी का क्या है, अर्धक है, मतलब हाफ में डिवाइड कर रहा है। और बोला है कि ए एन परपेंडिकुलर है बी सी का, ए एन परपेंडिकुलर है किसका, बी सी का, तब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल एम ए एन, यानी कि ये वाला बीच वाला एंगल, ठीक है। तो एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है ऐसे सवाल, है ना, कि एंगल ए एम ए एन बराबर क्या होगा, तो एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, एंगल ऑफ एम ए एन बराबर होगा, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी। अच्छा, बी में ही सी क्यों माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देगा, आपको बता देगा कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, या फिर एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी से, ऐसा आपको बता देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। तो ये सारी जो पॉइंट से हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट के रूप में आपके लिए उभर रहा है, ताकि आपका डायरेक्ट सवाल इस पर बन जाए, ठीक है। हाँ, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 14, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग जो होगा उसके तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका की दोगुनी लंबाई से सदैव बड़ा होगा। देखिए, हाँ, ये याद रखिए या ना रखिए, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब भी आपका ए बी सी ट्रायंगल में, है ना, एक ये मीडियन है ए डी, ए डी क्या है आपका, मीडियन है, तो ये बोलता है कि ए डी जो होगा, है ना, ए डी जो होगा वो डबल होगा किससे, किससे डबल होगा, हाँ चलिए देखिए, 2AD जो होगा वो छोटा होगा किससे, तो AB प्लस AC से। मतलब जब हम लोग AB और AC को प्लस करेंगे ना, तो AD का डबल से क्या होगा, छोटा, ये बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। चलिए ऐसे ही लिख लीजिए जैसा लिखा हुआ है, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा ना। सिंपल सा देखिए, लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे पहले जोड़ दीजिए दोनों को, ए बी प्लस ए सी को जोड़ दीजिए, ऐड कर दिए दोनों, और ये बोल रहा है कि ये दोनों भुजाएं बड़ा होगा किससे, तो ए डी से, तो ए डी का कितना मल्टीपल, तो दो मल्टीपल से बड़ा होगा, मतलब डबल करेंगे तब बड़ा होगा, तब भी बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 15, किसी त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका मीडियन, है ना, त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पे, जब हम लोग
एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, और इसका माध्यिका आपको ये मीडियन ले लेते हैं ए डी। तो ये बोल रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो होगा वो दोनों क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसे यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, और बराबर होगा, है ना। चलिए तो दो दो करके देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा मीडियन क्या है, ए डी के मीडियन से हुआ, अब दूसरा मीडियन है। चलिए इसको मिटा के यहीं पे लिख देते हैं क्या क्या है इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CFA, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर एक और ट्रायंगल यदि हम लोग लेंगे तो BAE, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। कहने का मतलब है कि एक को हम लोग इसको मान रहे हैं और एक ट्रायंगल इस तरह से ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पे आ रहे हैं तो एक ट्रायंगल ऐसे ले रहे हैं, और इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो एक ट्रायंगल ऐसे ले रहे हैं, मतलब दो ट्रायंगल, ठीक है। और ये दोनों का के तीनों का क्या होगा, सारा एरिया क्या होगा, बराबर होगा। जब ये आपका ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सभी एरिया बराबर होगा, मतलब छः तरह का छः ट्रायंगल बन रहा है तो छः वो ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, और कोई अदर होगा तो फिर आपका दो दो करके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है, ठीक है। चलिए मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे ये चीज़ें। अब सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर वन, ठीक है। चलिए 15 कॉन्सेप्ट था, 15 कॉन्सेप्ट को अभी जान चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, एक कॉन्सेप्ट और है, चलिए देखिए यहां पे कि कोई भी ट्रायंगल आपका, है ना, एरो का साइन दिखे, कहने का मतलब है कि इस तरह से दिखेगा एरो का टाइप, तो ये जो एंगल होगा वो इसका क्या होगा, डबल होगा। यदि ये आपका एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, आपका 2A हो जाएगा, ठीक है। और यदि इस तरह से आपका एंगल दिखे तो ये एंगल, मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये बी है, तो ये जो आपका थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप करेंगे, ठीक है। ए का डबल क्या हो जाएगा, 2A, मतलब 2A का हाफ ए। चलिए क्लियर है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, एरो का रूल होता है, ठीक है। चलिए पहला सवाल, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं इतना के अनुपात में है तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, बताइए। एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा कौन, यानी कि सबसे बिगेस्ट एंगल बोला है, और मेंस का एक ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा हुआ सवाल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रिपलेट्स बन रहा है, ये क्या है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स है आपका, तो 13 का ट्रिपलेट्स है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सबसे क्या बोला है यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ी भुजा के बराबर, सबसे बड़ी भुजा के सामने कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा कौन यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से यहाँ पे देखेंगे हम लोग, है ना, क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और ऐसे भी तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में
दो एंगल का सम तीसरा एंगल के सम के तीसरा एंगल के बराबर होता है, तो तीसरा एंगल ही तो बड़ा है, तो 90 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर टू, यदि ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है आपको, और ए बी और ए सी बराबर है, देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी आपका बराबर है, तो हमें एक एंगल भी दे रखा है कि ए सी डी आपका दे रखा है 125, तो पूछा है कि बी ए सी कितना होगा, एंगल ऑफ बी बी ए सी, यानी कि एंगल ए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब हम लाइन और एंगल बता रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि यदि ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में आपको 25 को घटा देंगे, 125 को, तो 80 में आप केवल 25 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, है ना। तो आप देखिए घटाने के बजाय जोड़ दीजिए, 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा और 50 जोड़ेंगे तो 125, यानी कि 55 डिग्री होगा। तो 55 डिग्री एंगल सी है ना, तो एंगल बी भी कितना होगा आपका, 55 डिग्री होगा। चलिए एंगल बी भी क्या होगा, 55 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज से ये क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे आपसे एंगल ए के बारे में पूछा है, तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, इसको एक्स मान लीजिए, तीनों एंगल का सम आपका कितना होता है, 180 के बराबर होता है, तो आप तीनों को जोड़िए, तो एक 55 55 110 हो गया, 110 में कितना घट रहा है, 180 बनाने में आपको तो कितना घट रहा है, तो 70 डिग्री घट रहा है, तो 180 हो जाएगा, तो 70 डिग्री घट रहा था, वही 70 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर थ्री, एक त्रिभुज इतना में एंगल बी बरा प्लस एंगल सी आपका 110 डिग्री है, तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, एक ट्रायंगल है आपका और एक ट्रायंगल में ए बी सी आपको दे रखा है, एंगल बी और एंगल सी 110 दिया है, तो तीनों एंगल का सम जानते हैं हम लोग कितना होता है, 180 के बराबर होता है, तो 110 तो दे रखा है, कितना घट रहा है इसमें, 70 घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये दो सीजीएल 2022 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आपका 180 डिग्री है और बी सी एंगल दे रखा है, ये दोनों का 110 दे रखा है, तो एंगल ए प्लस 110, ये दूसरा तरीका है, ठीक है, ये सॉल्यूशन वाला तरीका है, ट्रिक तो हमारा हो गया, 180 और एंगल ए बराबर आप निकालेंगे तो 180 माइनस 110 आपका 70 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग मेथड हो गया, ये हो गया लॉन्ग मेथड, और शॉर्ट ट्रिक आपका बस डायरेक्ट, आप 110 में कितना घट रहा है, तो 70 घट रहा है, तो 70 आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर, त्रिभुज ए बी सी में कौन बी सी ए का समद्विभाजक बी सी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि ए बी 10 सेंटीमीटर हो, ए सी 15 सेंटीमीटर हो, बी डी 6 सेंटीमीटर हो, तो बी सी की लंबाई याद कीजिए। चलिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लेंगे आप ए बी सी, और इसमें बोला है कि बी ए सी का समद्विभाजक है बी सी, तो बी सी आपका क्या है, समद्विभाजक है, इस तरह से समद्विभाजक कर रहा है, ठीक है, बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, डी पर। अब यहाँ पे बताइए इसके लिए क्या पढ़े थे हम लोग, तो इसके लिए पढ़े थे कि आपका ए बी बट्टा ए सी बराबर होगा बी डी बट्टा डी सी का, यही तो पढ़े थे, और ये चीज़ दे रखा है, तो ए बी का वैल्यू आपका 10 है, ए सी का वैल्यू आपका 15 है, बराबर बी डी का वैल्यू आपका 6 है, और इसका डी सी का वैल्यू, अच्छा बी सी पूछा है, सॉरी
बी सी पूछा है तो हमें तो डी सी निकालना पड़ेगा पहले, तो डी सी का वैल्यू एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10 है ना, तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और ये हो जाएगा 3, तो 3 3 9 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। जब एक्स का वैल्यू 9 है तो बी सी का वैल्यू कितना होगा, तो ये दोनों तो एक मिनट, बी सी की लंबाई ज्ञात करने बोला है ना, हाँ बी डी की लंबाई 6 है, हाँ ये कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है, और ये आपका कितना दे रखा है, 9 9 हम लोग निकाल लिए 9, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, मतलब बी डी आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा था और डी सी हम लोग निकाले हैं 9, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, बोला कि ए बी सी में एंगल ए बी सी डबल होगा किसका, तो सी ए बी, यदि भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है और इतना डिग्री है तो सी ए बी की माप क्या होगी। देखिए आप, एक आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, बोला कि ए बी सी एंगल जो बी है वो डबल है किसका, एंगल ए का, एंगल ए ए का, बी ए सी, तो इसको एक्स मानते हैं तो हमारा बी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, चलिए ये वाला, तो ए सी डी, ए सी डी आपका 126 है, ये 126 दे रखा है, तो बोला है कि सी ए बी यानी कि एंगल एक्स बराबर एक्स का मान पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग पढ़े थे कि किन्हीं दो अंतः कोणों का योग तीसरी कोण के बाहरी कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल एक्स प्लस 2x डिग्री बराबर हो जाएगा किसका, 126 डिग्री के बराबर होगा, और ये 3x बराबर 126, तो x बराबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 डिग्री, और यही तो पूछा है x का वैल्यू, मतलब सी ए बी, तो सी ए बी एक्स डिग्री, 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सारे चीज़ सब मिक्स सवाल है इसमें, ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात इतना हो तो इनमें से सबसे बड़ा कोण की माप क्या होगी, सबसे बड़ा कोण की माप क्या होगी। देखिए तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 7 है, तो एक तो है कि 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ट्रिक नहीं लग रहा है, 7 से सब कट रहा है, ये भी 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 कट रहा है, मतलब 7 से सभी को ही कट रहा है, तो हमारा कोई ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 2 12, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सभी का कोण, हाँ सबका एंगल को सम करेंगे है ना, कितना हो जाएगा, 2 3 7, सबको एंगल को सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा, और x डिग्री बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 12 25 60 हो जाएगा, 15 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखिए सबसे बड़ा कौन पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन कितना है आपका, 7 है, तो 7x बराबर हो जाएगा 7 × 15, 15 × 7 कितना हो जाएगा आपका, 105, चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, देखिए किसी त्रिभुज में यदि एंगल रेशियो में दिया हो तो एंगल, हाँ एंगल 2 × (a) = 3 × (b) = 4 × (c) हो तो रेशियो में एंगल पूछा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एंगल 2 × (a) = 3 × (b) = 4 × (c), ऐसे केस में क्या करते हैं कि 2 3 4 का एलसीएम लेकर के डिवाइड कर देते हैं, या फिर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं कि 4 3 2 किससे डिवाइड होगा, मतलब तो 12 से, जैसे 12 से हम लोग भाग दे देते हैं तो 12 से सब कट जाता है,
तो यहाँ से दो से काटेंगे तो क्या आएगा, छः आएगा, यानी कि एंगल ए बट्टा कितना हो गया, सिक्स हो गया, बराबर एंगल बी बट्टा कितना हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, बराबर एंगल सी बट्टा कितना हो जाएगा आपका, थ्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए का वैल्यू सिक्स है, एंगल बी का वैल्यू फोर है, एंगल सी का वैल्यू आपका थ्री है, तो सिक्स इज टू फोर इज टू थ्री आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस इस तरह के सवाल में आप लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर थ्री। सवाल नंबर थ्री सेम सवाल है यहाँ पे, तो सेम सवाल है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, थ्री फोर और आपका कितना है, सिक्स है, तो तीन चार छः आपका कितना हो जाएगा, वही बारह का ही है ना, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, फोर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, थ्री, और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, टू, फोर थ्री टू। अच्छा यहाँ पे एंगल पूछा है, सॉरी एंगल कितना है, एंगल ए पूछा है कि एंगल ए बराबर कितना होगा, तो आप सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, चार तीन सात और एक, सात और दो नौ, तो नाइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जोड़ना है ना, सम करना है ना, एक्स डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, एक्स डिग्री बराबर, एक्स का वैल्यू 20 डिग्री है, तो आपको एंगल ए पूछा है, एंगल ए आप कितना है, चार है, फोर एक्स है, तो फोर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, चार गुने 20 आपका 180 डिग्री, तो 80 डिग्री आपका एंगल ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर फोर बोला कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए माइनस एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी माइनस एंगल सी दिया हुआ है, और एंगल बी हमसे पूछ रखा है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका 180 के बराबर होता है, और यहाँ से हम एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं बी के फॉर्मेट में, यहाँ से सी का एंगल निकाल सकते हैं बी के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस एंगल बी, और एंगल बी यहाँ पे है तो एंगल बी रख देते हैं, प्लस सी को इधर ले जाएंगे और 10 को इधर ले आएंगे तो एंगल बी माइनस 10 एंगल सी आ जाएगा, सी का वैल्यू इतना हो गया और बराबर 180 डिग्री है, तो आप यहाँ पे 3b है तो 3 इंटू एंगल बी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री में 10 डिग्री ख़त्म हो गया तो 30 बचा, और 180 में 30 बचेगा तो 150, और एंगल बी बराबर आपका हो जाएगा 50 डिग्री, तीन से इसको कैंसिल आउट कर दिए, तो 50 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए भी पूछेगा तो बी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, एंगल सी पूछेगा तो बी का वैल्यू यहाँ डाल देंगे और निकाल देंगे आंसर, ठीक है। तो एंगल ए पूछे, एंगल बी पूछे, एंगल सी पूछे, कोई भी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सेम सवाल है, इसको ये कर सकते हैं सेम सवाल, एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर दिया है 45 डिग्री, और एंगल बी माइनस एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये मत बोलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिएगा, हाँ तब तक ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हम जानते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एंगल कोई भी एंगल, एंगल बी निकाल लीजिए, तो वैसे ही सेम एंगल बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 45 डिग्री प्लस एंगल बी, और प्लस एंगल बी यहाँ पे है, सी का एंगल निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, सी को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो एंगल बी माइनस 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री, तो थ्री
थ्री इंटू एंगल बी बराबर आपका हो जाएगा 45 में 30 चला गया 15 और 180 में 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 माइनस किए तो 70 और 165। अब यहाँ से एंगल बी बराबर निकाल लेंगे हम लोग, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 3 × 15 और 3 × 15 55 डिग्री। एंगल बी निकल गया तो एंगल ए प्लस बी बोला है तो एंगल ए भी निकाल लीजिए, तो एंगल ए यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो एंगल ए बराबर हम लोग का क्या होगा 45 + 20, तो 45 + एंगल बी, एंगल बी कितना है 55 डिग्री, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 और 40 कितना हो गया आपका 100, और दोनों का पूछा है तो 155 डिग्री, 155 डिग्री कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे, हाँ ये कल के कॉन्सेप्ट में भी बताए थे, कोई त्रिभुज है हमारा दो कोणों का योग, तो दो कोणों का जो योग होगा है ना, वो बोल रहा है कि प्रत्येक शेष कोण से, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है, तो कम है तो कौन सा होगा, मतलब यहाँ पे साइड लिखिए, तो दो भुजा दो एंगल कम है तो दो साइड भी कम होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप एंगल ए माइनस एंगल सी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ प्रत्येक कोण ज़्यादा हो जाएगा किससे, एंगल बी से ना। एक मिनट, ईच ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स है ना, दोनों सम ऑफ द, अच्छा सॉरी योग बोला है, हाँ तो ये कम है ठीक है किससे, एंगल बी से, तो ऐसा है तो कौन सा एंगल होगा बताइए, दो कोणों का जो योग होगा है ना, दो कोणों का योग होगा वो तीसरा से क्या होगा अधिक होगा, तीसरा से क्या बोला है कम, दोनों कोणों का योग से कम है, अच्छा दोनों कोणों के योग से कम है मतलब दोनों कोण ज़्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा ये न्यून कोण, और ये कम हो जाएगा तो कौन होगा अधिक कोण। ठीक है बस यहाँ पे लैंग्वेज पे पकड़ना है, लैंग्वेज पे कमांड करना है कि कौन बोल रहा है, तो ये रिलेशन हम लोग लिख सकते थे एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल बी से, या फिर एंगल बी इज लेस होगा किससे, तो एंगल ए प्लस एंगल सी से, ये दोनों देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ये, और ये आपसे पूछ रखा है, तो न्यून कौन होगा, अब इसका बोलिए दोनों कोण के योग के बराबर है तो बराबर कौन सा होगा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल बी का, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट कौन से बड़ा होगा तो कौन होगा अधिक कौन है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन एंगल सी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अधिक कौन होगा इस तरह से। ए बी सी, एंगल सी बड़ा होगा एंगल ए और एंगल बी से, ठीक है चलिए। सवाल नंबर 9 में क्या बोला है कि ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है और एंगल सी पूछा है, एंगल सी पूछा है तो और भी आसान है, जब ए प्लस बी दे रखा है तो हम जानते हैं कि तीनों का सम 180 होता है और इसका वैल्यू आपको दे रखा है, तो कितना जोड़ दें, सी का वैल्यू कितना रख दें कि 180 बन जाए, तो मतलब 108 में आप कितना जोड़िए, 108 में आप कितना जोड़ेंगे कि 180 बन जाएगा है ना, तो 80 में 8 घटा देंगे तो आप 72 डिग्री जोड़ दीजिए आपका 180 बन गया, तो आंसर कितना हो गया 72। चलिए किसी ट्रायंगल में एबीसी में इतना दिया हुआ है दोनों, तो इसको कर लेंगे, दोनों सेम चीज़ें हैं जैसे अभी किए थे वैसे सेम चीज़ें हैं, ठीक है यहाँ से एंगल बी निकाल लेंगे, यहाँ से एंगल सी निकाल लेंगे,
तो यहाँ पे एंगल सी निकालेंगे तो क्या होगा, 180, कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए, बताइए यहाँ पे हम कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए, तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 55। तो यहाँ पे 55 जोड़ने पे आपका 180 बनेगा, तो एंगल क्या निकल गया, एंगल सी, यानी एंगल सी का वैल्यू आपका 55 है, ठीक है। हमें पूछा है एंगल सी प्लस एंगल बी, तो एंगल सी का वैल्यू 55 है, एंगल बी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, कितना जोड़ देंगे कि 180 बन जाए, तो कितना जोड़ देंगे यहाँ पे, 65। तो कितना हो जाएगा ये, 6 5 11, 5 5 ये 5 गया तो 120 है ना, 60 60 कितना हो गया, 120। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस आपको देखना है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा नहीं है, एंगल सी नहीं है, तो कितना जोड़ देंगे कि 180 आ जाए, तो एंगल सी ही जोड़ेंगे तब 180 आएगा, यहाँ पे एंगल बी जोड़ेंगे तब 180 आएगा, ठीक है, और वही चीज़ हमसे पूछा है। चलिए क्लियर है, तो आप लोग बना लीजिएगा, 5 सवाल आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, PDF में आप लोग के लिए बना ये दे दिए हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, और एक हम लोग का टॉपिक बच गया है, कौन सा, सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी। यदि ये वो कॉन्सेप्ट को हम लोग कर लेते हैं तो हमारा 3 पार्ट में ट्रायंगल ख़त्म होता है। पहला पार्ट हम लोग का इंट्रोडक्शन था और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल था, दूसरा क्या था, त्रिभुज के गुण या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, और थर्ड हम लोग का रहेगा सिमिलरिटी एंड कंग्रुएंसी। तो ये 3 पार्ट में हम लोग ट्रायंगल को ख़त्म किए, इसके बाद मिक्स मैराथन करेंगे जिसमें एक भी सवाल आपका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जितने भी सारे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं सारे सवाल को करेंगे, तो ट्रायंगल से रिलेटेड सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी छूटा होगा सब सवाल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल से आशा है कि ट्रायंगल से आप सवाल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ने के बाद। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।